हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आप लोग कैसे, आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो गाइज यार आज मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज अपनी। तो गाइज यार आपको याद होगा कि ना इससे पहले वाली वीडियो में भाई हमने बनाया था अपना एक ब्यूटीफुल नेदर पोर्टल, तो जो कि गाइज आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है। और भाई मैंने ना कुछ अपने घर में चेंजेस करे जो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो भाई पहले तो एक चेंजेस ये देख लो भाई, अपन ने भाई अपने घर में एक डस्टबिन सा बनाया छोटा सा, जहाँ पे हम अपना सामान का वेस्ट मतलब वेस्ट फेंक सकते हैं भाई, ठीक है। और भाई मैंने ना उस कारपेट भी लगा के देखे थे यहाँ पे, पर है ना मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे तो मैंने भाई सारे फेंक दिए। बैरल में आपको पता होगा गाइस यहाँ पे भाई हमारा रखा रहता है रेयर आइटम। और भाई यहाँ पे आप कह रहे हो कि भाई आयरन रखा रहता है, वो कहाँ गया तुम्हारा? पर वो भी मैं आपको आगे की कहानी बताऊंगा, उसके लिए थोड़ा वेट करो गाइस। और भाई इस सामान में कुछ ये वाला सामान रखा है, मैंने सब सामान है ना सॉर्ट आउट करके रख रखा है, ठीक है। और भाई इसमें ये वाला सामान है, मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स जो भी होते हैं वो सारा रख रखा है। और चेस्ट में ये सारा खाने का सामान है, और इससे नीचे वाली चेस्ट में ये बाकी सारा ये वाला सामान है। फिर इस चेस्ट में मैंने रख रखे अपने टूल्स वगैरह जो भी अभी तक मुझे मिल रहे हैं हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे भाई अपन ने नेदर का सामान रख रखा है। और एक और चीज़ गाइस, एक बार एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो गाइस मैंने भाई यहाँ पे ना नेदर के मतलब इसके पीछे ना खाली खाली अच्छा नहीं लग रहा था, तो यार मैंने यहाँ पे ये ब्लॉक्स लगा दिए और ये वाले ब्लॉक्स लगा दिए। ना यार अपने घर में एक चीज़ बेकार हो रखी है, क्योंकि भाई ये अपने आने जाने के रास्ते में ये चीज़ भाई क्या है, ये ऑब्सीडियन और ये पत्थर, अजीब सा लगता है यार ये। तो कोई नहीं यार, पर इसका सॉल्यूशन भी जल्दी ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एक कहानी बताऊंगा गाइस अभी मैं आपको, वो सुनना भाई ध्यान से। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ इस वर्ल्ड में, इससे पहले ना खाना ले लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। और इस चेस्ट में ना ये मेरे पास काम का है नहीं फिलहाल, ये रख देता हूँ अभी। भाई अभी जस्ट बनाया था वीडियो शुरू करने से पहले मैंने ये सब। तो गाइस अब वो कहानी सुनना जो मैं सुनाने जा रहा हूँ। तो भाई पहली कहानी तो ये सुनो गाइस, मेरा भाई ऑफलाइन खेल रहा था ये गेम, ठीक है। उसी वक्त मैंने नेदर में गया, ठीक है। और मैं ऐसे ही थोड़ा सा देख रहा था, एक्सप्लोर वगैरह कर रहा था, तो भाई मेरे साथ देख पता क्या हो भाई, घास आ गई गाइस मेरे सामने। और भाई मैं भाग ही रहा था, पर लेकिन भाई मेरे पैरों के नीचे वो सैंड होती है ना, भाई मेरे सैंड का नाम याद नहीं आ रहा, जिससे हम भाई हमारी स्पीड धीरे हो जाती है, उस सैंड पे चल रहा था। भाई मैं भगा रहा अपने बंदे को, भाग ही नहीं रहा बंदा। और भाई उसने अपना फायर चार्ज फेंका, और भाई उसी में मैं शॉट डेड हो गया, ठीक है। तो भाई ये हो गया, और भाई मेरा जितना सामान था ना वो सारा जलवल गया। लेकिन गाइस पता है क्या हुआ, दूसरी बार मैं गया ना जब, तो भाई घास ने सीधा इस पोर्टल पे ना, मतलब जो नेदर पोर्टल से लिंक हो रखा है, तो भाई उससे ना ये पोर्टल पे ना भाई उसने फायर चार्ज फेंका, और भाई मैं वही मर गया, और मेरा नेदर पोर्टल भी डिसकनेक्ट हो गया। तो भाई उसके चक्कर में मेरा सामान वही रह गया। और भाई फिर मैं इसके अंदर गया ना नेदर पोर्टल के, और भाई अब ये मुझे कोई दूसरी ही जगह ले जा रहा है, वो जगह नहीं ले जा रहा है। तो मैं आपको वो जगह भी दिखाऊंगा कौन सी जगह ले जा रहा है मुझे, ठीक है। वो भाई बड़ी भयानक जगह है, वहाँ पे मैं एक बार होके आ चुका हूँ, ठीक है। तो भाई तो गाइस आज हम वही करने वाले हैं भाई, और अच्छे से भाई इस नेदर पोर्टल को थोड़ा एक्सप्लोर करके देखेंगे क्या क्या चीज़ें। पर यार मेरे को बड़ा दुख हो रहा है, मेरा भाई मतलब आयरन का मेरे पास टूल्स थे इतने बढ़िया बढ़िया, सारे चले गए। अब मेरे पास क्या बचा है, रुको तो एक देखता हूँ। इसमें तो यार कुछ भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। मेरे पास है ना दो चेस्ट थी भाई, वो सारी चली गई, मैं वहाँ से लाया था, लेकिन भाई मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है ना, वहाँ पर दोनों बार मैं घास से मरा हूँ दोनों बार। कोई नहीं यार, पर अब कुछ तो है नहीं। अब मैंने सोचा है ना क्यों ना भाई, पहले ना नेदर पोर्टल में जाने से पहले भाई मैं अब ना अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करूँगा इस वीडियो में, ठीक है। तो भाई उसके लिए हमें चाहिए भाई आयरन, गोल्ड, ये गोल्ड तो मेरे पास ज़्यादा है नहीं, डायमंड वगैरह ये सब चाहिए। तो गाइस यार आज हम उसी माइनिंग पे जाने वाले हैं ये सब के लिए, ठीक है। तो इसके लिए पहले तो है ना मुझे अपने एक दो डॉग्स को ले लेता हूँ, मैं अपने एक को ले लेते हैं फिलहाल, अगर भाई बीच में लड़ाई वड़ाई होती है तो ये हो जाएंगे। और गाइस आप देख सकते हो यार मैंने ना पूरी एक टीम बना ली भाई डॉगों की, 5 डॉग्स हो चुके हैं, और एक को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। भाई अपने पास खाना वाना भी है, कोई चीज़ की कमी नहीं है वैसे तो। और मैं सोच रहा हूँ और कुछ लेके जाऊँ या ना जाऊँ, फिलहाल एक बेड ले जाते भाई, कहीं रात वात होगी तो सो सकते हैं ना कहीं, है ना। और भाई ये थोड़े ना ये रख लेते हैं, बो का है बो। और गाइस मैं ना आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, रुको, यहाँ पे भाई बो है मेरे पास, ठीक है। आपको याद होगा कि ना ये बो मुझे भाई स्केलेटन से मिली थी, तो भाई ये बो को रख लेते हैं। इसके अंदर एन्चांटमेंट भी लगी तो ये हमारे काम आ सकती है, ठीक है।
और अब भाई हम तैयार है, सुबह हो रही है ना भाई, रात तो नहीं हो रही ना, सुबह हो रही है, ठीक है। तो अब हम पूरे भाई रेडी है मतलब माइनिंग पे जाने के। अपने डॉगी को तो बुला लूँ, अकेले ही जा रहा हूँ मैं, ठीक है भाई। और जो बाकी ये चार डॉगी भाई, ये मेरे घर का ख्याल रखेंगे भाई, उस वो डॉगी आ जाए ना, इसको गेट को बंद कर जाता हूँ, ठीक है। तो भाई अपना वो ख्याल रख लेंगे वो डॉगी भाई। मेरे को ना गाय को मारना पड़ेगा, सॉरी गाय, कहाँ गई, क्योंकि भाई ये मुझे देगी खाना जिसको भाई मैं अपने डॉग को खिला सकता हूँ। फिलहाल इसका थोड़ा पेट भरने के लिए ये मेरे साथ चलेगा ना, क्योंकि चलते हैं यार थोड़ा माइन वाइन करने के लिए। और भाई मुझे चाहिए डायमंड या फिर आयरन, क्योंकि भाई अगर हमें नेदर में जाना है ना, तो ये सब तो चाहिए ही चाहिए हमें। और उससे पहले मुझे ढूंढनी पड़ेगी गाइस एक केव, और केव ओके भाई एक बोट भी तो बनानी है। उससे पहले मुझे रुको, काम करता हूँ, लकड़ी यही है, बोट बना लेते हैं साथ के साथ, क्योंकि भाई पानी बहुत है यहाँ पे और बिना बोट के हम यहाँ से जा नहीं सकते। अबे लकड़ी कहाँ है, तो कहाँ पहुँच गई लकड़ी। तो गाइस यार अपन ने भाई बोट बना ली है, ठीक है। तो अब चलते हैं इस बोट में बैठ के भाई ढूंढना ढांडी करने। और मैं सोच रहा हूँ केव वेव मिल जाए तो सही है, एक बार ही उस साइड को चल के देखे उधर को कहीं केव वेव मिल जाए, क्योंकि भाई उधर बोट का तो कोई यूज़ नहीं है ना। एक बार इस साइड को चल के देखते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ से चलते हैं आगे को। गाइज यार मुझे ना एक और विलेज मिल गया भाई। तो गाइज यार आपको याद होगा कि ना जहाँ पे हमें इग्लू नहीं मिला था, तो भाई उस विलेज के थोड़ा सा दूरी भाई मुझे एक और विलेज मिल गई है। और भाई यार मुझे विलेज ही विलेज मिले जा रही है यार, कोई भी भाई मुझे केव वेव भी नहीं मिल रही जहाँ पे भाई मस्त सी भाई लूट मिल जाए यार। यहाँ पे भी पर विलेज में मिल जाती है, पर यार जो मुझे चाहिए वो नहीं मिल रहा ना। ये देखो कार्टोग्राफी टेबल का क्या उखाड़ूंगा मैं, नहीं तो कुछ काम कीजिए। ये देखो ब्रेड मिल गया यहाँ पे बस, और तो कुछ मिल ही नहीं रहा भाई यार। और भी तो दो यार कुछ सामान अच्छी सी लूट पाट। जर यहाँ पे तो यार पेपर ही पेपर थे जो कि मैंने सारे ले लिए, और थोड़ी सी ब्रेड थी यहाँ पे क्योंकि भाई मैंने कलेक्ट कर ली है। और भाई ये वाला घर वही था ना, हाँ जहाँ से तो अभी आया हूँ मैं वो। ओ भाई यहाँ पे है ना एक नंबर की कैरेट, इतनी सारी सब कलेक्ट कर लेते हैं। तो गाइस यार अब इस वाले घर में चल के देखते हैं, और यहाँ पे कोई चेस्ट वेस्ट है क्या, पहले सो जाते यार रात हो चुकी है भाई, मोवो आ सकते हैं। अबे अच्छे से रात ही नहीं हुई अभी, छोड़ भाई नहीं हुई तो हम क्यों सोए फिर, है ना। तो यहाँ पे अबे कितने घर है यहाँ पे एक जैसे, यहाँ पे सो अब क्या सो सकते हैं क्या, हाँ भाई सो सकते हैं, रात हो चुकी है यार। गुड मॉर्निंग आप सभी को, और भाई यहाँ पे हमारी नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है भाई। यहाँ पे चलते हैं भाई और घर को लूटने के लिए। और भाई कहाँ है और घर, थोड़ा सा कोल है भाई। भाई सब चीज़ जो भी मिल रही है ना सब ले लो, क्योंकि भाई अभी हमारे पास को सब चीज़ की भाई किल्लत हो रखी है भाई हमारे पास। तो भाई जो भी सामान मिलता जा रहा है ना सब लेते जाओ। अबे कोई केव है क्या, अबे ओ भाई, तो गाइस यार हमें केव भी मिल चुकी है। ओ भाई साहब क्या केव है। तो गाइस यार ये अच्छा हो गया, विलेज के पास ही भाई हमें एक केव मिल चुकी है भाई, इसमें भी चलेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे हमारा एक दो काम हो गया भाई, एक तो अच्छी सी विलेज भी मिल गई जहाँ पे भाई थोड़ी बहुत तो लूट मिल रही है, और भाई हमारे को एक अच्छी सी केव भी मिल गई जहाँ पे भाई हमारा जो सामान हमें चाहिए था वो मिल सकता है। ये वाला घर हो गया क्या, मैंने जौन सा घर होता जा रहा है ना उन सब के ना मैं गेट खोलता जाऊँगा, ठीक है। अब से ये वाला घर नहीं भाई, ये वाला घर तो कुछ नया सा ही लग रहा है भाई। भाई इतना बढ़िया घर है, चेस्ट नहीं है यहाँ पे एक भी। अरे यार बढ़िया घर है, आई थिंक मैंने ये वाला घर नहीं देखा। हाँ भाई ये वाला घर नहीं देखा मैंने, इसमें कुछ मिल जाए बढ़िया सा। इसके ऊपर एक ना एक चेस्ट होती है हमेशा। अबे ये क्या है, नॉन मैप, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, छोड़ भाई से।
इसको लेके मैं क्या ही कर लूँगा। यहाँ पे एक और घर है, इसको देखते हैं। ये घर लूट लिया क्या मैंने? नहीं भाई, ये भाई इसका गेट कहाँ है भाई? इस घर का गेट कहाँ है? अबे यार कहाँ फंस गया मैं? ओ भाई इसका, इस घर का गेट कहाँ दबा रखा है भाई इन लोगों ने? हटाओ भाई, ये विलेजर बेचारे कहाँ फंसे पड़े हैं। अबे तुम इधर क्या कर, निकलना यहाँ से, दिमाग खराब है यहाँ से। तुम दोनों इधर इधर कर क्या रहे? पहले पहले अपनी लूट बता क्या दे रहा है तू, लूट देखा क्या दे रहा है? बस तू ये दे, ले मेरी तरफ से एक और। हाँ नहीं तो यार बढ़िया सी लूट ही नहीं देते लोग यहाँ पे। भाई क्या करूँ यार, इतनी ब्रेड लेके, इतना तो खाना है मेरे पास, कोई भाई खाने की कमी नहीं है, और कुछ दो। तो गाइस यार मुझे लगता है ना मैंने ये वाला घर नहीं लूटा, आई थिंक। तो एक बार ये वाला घर नहीं, शायद से लूट लिया। हाँ भाई ये वाला घर लूट लिया यार, मुझे याद तो आ रहा है लूट है। ओह भाई गोलम दिख गया आज तो मैं, भाई मिल गोलम दिख गया ना, इसे लपेटे में लेना ही पड़ेगा लगता है। अब ब्लॉक भी तो नहीं है, लपेटे में लूँगा मैं इसे, ब्लॉक भी तो चाहिए उसके लिए पहले। वो भाई वो गोलम कहीं जा मत यार, तेरे को तेरे में ना भाई आयरन दिख रहा है बहुत सारा, वो भी हट बैठ। गोलम चाहिए मत, ले भाई अब तू मेरे पीछे पड़ेगा, ले अब मैं मारता रहूंगा। तो गाइस यार मैं गोलम को भाई क्रेट क्रेट दूंगा ताकि भाई ये थोड़ा जल्दी मर जाए, पर यार क्रेट लग नहीं रहे इसके। अब लगा एक और, एक और, दो तीन में और ख़त्म है बस ये, बस मैंने बोला था ना दो तीन में और ख़त्म है बस। तो भाई ये गोलम को तो मार दियो, मेरे आयरन आयरन मत लेके जाना कोई प्लीज़। अबे तीन ही आयरन दिए बस, चल कोई नहीं भाई। अबे भाई स्नो हो रही है, कितना बढ़िया मौसम हो चुका है गाइस यहाँ पे अब। यार प्लीज़ चेस्ट कोई बढ़िया। अबे यार तुम क्या, तुमने भाई कसम ले रखी है क्या? मैं इस बंदे को दूंगा तो भाई खाने का ही सामान दूंगा, और कुछ सामान ही नहीं दूंगा। हाँ नहीं तो भाई कोई और सामान दे ही नहीं रहे हैं। तो यार मुझे लगता है ना मैंने सारे घर लूट लिया आई थिंक, क्योंकि यार मुझे एक भी घर नहीं दिख रहा अब खाली जो कि हो। गाइस यार मुझे एक और चश्म मिल गया भाई, जो उम्मीद था मेरे को वही मिला, खाने का सामान। गाइस यार मैंने ना पूरी विलेज मेरे हिसाब से तो लूट ली है, और मेरे को लग रहा है भाई मैंने कुछ छोड़ा नहीं है, जितना इतना खाना वाना था ना सब ले लिया यहाँ से। भाई ऐसा लग रहा है ना मैंने कुछ छोड़ ना दिया हो। तो गाइज यार मुझे लगता है ना आज की वीडियो में आपको अच्छा लगा हो। भाई हमें ना निकले थे भाई नैदर, मतलब नैदर में जाने की प्रिपरेशन के लिए, ये थी बेसिकली ये वीडियो। और भाई हमें कुछ इतना सामान मिला है, अभी जो हमें इस विलेज के पास एक केव मिले ना, अभी तो हमें भाई उसके अंदर भी जाना है, ठीक है। तो गाइज केव में चलेंगे इसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो गाइज यार अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो पर जाके लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और गाइज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। तो गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।